अब जब सुबहान वापस आ गया है तो उसको वो सारी चीजें याद आ रही है जो मैंने इबादत के खिलाफ उसके दिमाग में डाली थी। सुबहान प्लीज प्लीज रुक जाओ, इस बात को मत कराओ। बात तो बढ़ चुकी है, और तुम कैसे पूछ सकती हो कि इबादत ने तुम्हारा मुझे सब क्या कुछ नहीं किया? फरहान को तुम्हारी जिंदगी में भेजा, तुमसे झूठी मोहब्बत करने का नाटक करवाया, तुम्हें जान से मारने की साजिश की। तो हर बार कुछ ना कुछ वो नया सोचती है और ऐसा फुल प्रूफ प्लान सोचती है कि कोई कोई गड़बड़ कर ही ना पाए। इतने लोग कि जुल्म करने वाले से बुरा जुल्म सहने वाला होता है, राइट? हम सबके सामने, हम सबकी नजरों के सामने क्या कुछ करती है, हम देखते हुए भी नहीं देख पाए। नहीं, ये सब तो मैं सबको बता कर रहूंगा। सुभान, सुभान एक मिनट प्लीज बैठ। क्या मिलेगा कि वो मेरी ही तो बहन है। और तुम इबादत को अपनी अपनी बहन समझती हो? जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया ना, कोई बहन नहीं दुश्मन करता। इनफैक्ट दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं ये लड़ाई लड़ूं, पर किससे? अपनी ही बहन से, जिसने सबको बहका कर अपने काबू में कर रखा है। मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारा साथ मिलेगा तो मैं ये लड़ाई जरूर जीत जाती हूँ। मेरे लिए इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, लेकिन सही वक्त सुभान मुसीबत से बचकर आया है तो। लेकिन इबादत के लिए तो मैं पहले ही मुसीबत खड़ी कर चुकी थी, अब जब सुभान वापस आ गया है तो उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो मैंने इबादत के खिलाफ उसके दिमाग में डाली थी या डलवाई थी फरहान के थ्रू। तो अभी वो सब चीज़ें अपना असर रंग ला रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इससे, क्योंकि सुभान को इबादत से नफरत करवाना ही मेरा पर्पस था। लेकिन अब वो घर वालों को बताना चाह रहा है और ये सही मोमेंट नहीं है, बिकॉज सब कुछ बहुत पैनिक सिचुएशन में, और मैं चाहती हूँ कि ये सब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए और मेरा पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए अभी मैं सुभान को रोक रही हूँ कि इबादत के बारे में किसी को मत बताए, और अब सुभान के मन में ही जहर जितना घोल सकती हूँ उतना रहे। मन्नत बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारे राइटर्स ने उसको बहुत स्मार्ट और क्लेवर बनाया है। तो हर बार कुछ ना कुछ वो नया सोचती है और ऐसा फुल प्रूफ प्लान सोचती है कि कोई कोई गड़बड़ कर ही ना पाए। इतने लोगों को उसका सच पता भी है फिर भी कोई गड़बड़ नहीं कर पाता है। हाँ, वो फिलहाल तो सुभान को, जो उसके साथ लड़ाई चल रही थी, वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहेगी, बिकॉज वो तो सुभान से बहुत प्यार करती है और उसका तो मेन पूरी ज़िंदगी ही सुभान है, तो वो तो कोशिश करती रहेगी, पर मन्नत ऐसा होने नहीं देगी। मन्नत अभी सुभान को बहुत प्यार करती है, हमेशा से करती है, मतलब जब से उसको रियलाइज़ हुआ है कि वो प्यार करती है, तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ सुभान के लिए और उसे पाने के लिए ही सब कुछ करने वाली है, जिसके लिए इबादत को भी दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।